नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थी हैं जिन्हें इस योजना के तहत प्रधानमंत्री की तरफ से पैसा उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के तकरीबन 6,10,000 लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। प्रथम किस्त जारी करने के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के लाभार्थियों से बातचीत की। इस क्रम में उन्होंने जनपद बहराइच के लाभार्थी रेशमा वसीम से भी बात की। लाभार्थी से बात करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुम्हारा घर बनने के बाद अगर हम तुम्हारे घर पर आते हैं तो मुझे क्या खिलाओगे, जिस पर लाभार्थी रेशमा वसीम ने कहा कि हम बहुत ही गरीब हैं, बरसात के सीजन में हमारे बच्चे भीग जाते हैं, आपकी तरफ से जो मुझे आवास दिया गया है इसको लेकर हम बहुत ही प्रसन्न हैं, आप जब हमारे घर आएंगे तो हम आपको कुछ न कुछ जरूर खिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम ऐसे लाभार्थियों से बात करके उन्हें भरोसा दिलाया और हौसला भी दिया कि सरकार हर वर्गों के प्रति सजग है। प्रधानमंत्री से बात होने के बाद लाभार्थी रेशमा वसीम काफी खुश दिखी और उन्होंने कहा कि हमें इस सरकार पर भरोसा है, यही सरकार सभी का विकास कर सकती है और इस सरकार में अल्पसंख्यकों का कल्याण भी हो सकता है। अनस तारिक की रिपोर्ट। रेशमा कहाँ के रहने वाली हैं? अमीनपुर नगरौर। आज आप से रहने वाले बहराइच। अच्छा, आज आप अभी यहाँ, आपकी किससे बात हुई? मोदी साहब से। क्या बात हुई आपसे, क्या उन्होंने पूछा आपसे? पूछा कि तुम्हारे घर कैसा है, तो हमारे पन्नी तना है, हमारे बच्चे भीग जाते हैं और बहुत तकलीफ उठाई थे, तो आप जो आवास हमको दे दो हम बहुत खुश हैं, हमारे दिल बहार है। अच्छा, तो मोदी जी से आपकी बात हुई? जी। तो अभी मोदी जी से? तो मोदी साहब से बात करना कि तुम्हारे घर में आया तो कुछ खिलाए पिलाएगा, तो हम कहा जी हम खिलाएं पिलाएंगे। अच्छा, आप एक बार हमारे घर आए। अच्छा, आपने मोदी जी को बुलाया भी है? जी। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। इन्होंने एक तरफ तो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है, साथ ही साथ एक करुणा विगलित ऋषि की भांति देश के प्रत्येक नागरिक को जो आम सुविधाएं मिलनी चाहिए, गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, उसको का भी ध्यान रखने का काम किया है। आज इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लगभग 6,10,000 लोगों के खाते में सीधे सरकारी सहायता गई है, धनराशि दी गई है ताकि उनका अपना मकान हो सके। और इस योजना आज जो उन्होंने 6,10,000 लोगों के खाते में पैसा भेजा है, ये रकम भी अच्छी खासी बड़ी है, लगभग 27,2,691 करोड़ रुपए की धनराशि आज सीधे सीधे खाते में पहुंची है। कोई बिचौलिया नहीं, पूरी पारदर्शी व्यवस्था। और इस योजना में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि कोई बीच में कुछ है ही नहीं, अगर गरीब है वो हकदार है आवास का तो उसे मिलना चाहिए, ना कोई जाति, ना धर्म, ना कोई वोट की राजनीति, हर किसी को जिसके पास छत नहीं है, जो 2022 का स्वप्न था माननीय प्रधानमंत्री जी का कि सबका आवास हो, उस योजना के तहत आवास मिला है। और दूसरी इस योजना की एक और अच्छी विशेषता वो ये है कि केवल ईंट गानों और छत और फर्श को ही मकान नहीं कहते हैं, मकान में रहने वालों का जीवन सुखमय हो इसलिए इस घर के साथ साथ उनके घर में शौचालय हो, उनके घर में जो उज्ज्वला योजना के तहत, उजाला योजना के तहत, सौभाग्य योजना के तहत बिजली, ये सारी जो सुख सुविधाएं हैं ये भी उनको उसके उससे आच्छादित करके दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय कदम है और आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री गरीबों के साथ जुड़कर अपनी संवेदनाओं से उनको जोड़कर इस काम को कर रहे हैं। और एक एक बात का मैं जहाँ देखिए अभी वो आंकड़े यहाँ पर आ रहे हैं, अभी तो मेरे साथ 35,000 लोगों को आज दिया गया है और अभी 10 लाभार्थी तो यहीं पर थे जो आज सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रहे थे। और मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि किस तरीके से व्यक्ति जुड़ जाता है जब ऐसा कोई व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति उसके बीच आता है। हमारे जनपद की एक रेशमा नाम की महिला आज थी और स्क्रीन पर जब प्रधानमंत्री अन्य महिलाओं से, दूसरे जनपद की महिलाओं से संवाद कर रहे थे तो वो पूरे टाइम कनेक्ट थी प्रधानमंत्री जी से,
मैंने उन महिलाओं को देखा कि प्रधानमंत्री जी बात कहीं और कर रहे हैं और वो बराबर यहाँ से जवाब दे रही थी, हम शुक्रिया करते हैं आपका, आपने हमारा जीवन आसान बनाया, आप हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हैं। और ये बात तब आती है गरीब के दिल से, इस तरीके की बातें तब निकलती है जब कोई खड़ा होकर बाहें पसार कर गरीबों का स्वागत, अभिनंदन और उनकी सुख सुविधा के लिए काम करता है। धन्यवाद।